ऐसा नहीं है कि मैं झगन चाचा से डर रहा हूँ, लेकिन तुम तो मेरे दोस्त हो ना, तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। ओ यारा, दोस्त तो हम सारी जिंदगी रहेंगे, पर मैं यहाँ नहीं रह सकता। मैं यहाँ आया था एक मकसद से, एक चोर की हैसियत से, तेरी माँ को धोखा देने। पर धीरे धीरे लगाव हो गया मुझे यहाँ से, इस घर से, इस घर के लोगों से। तुम मत जाओ ना, तुम हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पे रह सकते हो मेरे साथ। और यार, तुझसे पहले एक जिंदगी और थी मेरी, और लोग थे मेरी जिंदगी में, और है वो पार्टनर, एक बॉस है मेरी, उसे पैसे चाहिए। अगर मैंने उसे पैसे लाके नहीं दिए तो भखेड़ा खड़ा कर देना उसने, इसलिए मुझे जाना होगा। अगर मैं तुमको पैसे दे दूं तो फिर रुक जाओगे? ओ यारा, तू सब कुछ ठीक कर सकता है, लेकिन मैं तेरे पैसे नहीं रख सकता। और देख, कुछ ही दिनों में पुलिस ने तेरी बहनों को भी ढूंढ लेना है, अब तू बिल्कुल अकेला नहीं होगा। हाँ, क्या हुआ जी, कौन है ये? हमारी गाड़ी के नीचे आ गई थी बेचारी, नई नई आई हैं ग्वाल में, रहने का कोई ठिकाना नहीं है तो अपने घर ले आए। जगन बाबू, आप तो कह रहे थे कि हम यहाँ जब तक मर्जी रह सकते हैं, मगर यहाँ तो लोग हमारे आते ही चले जा रहे हैं। मैं क्या जी, चोट लगी थी, इंसानियत के नाते ना आपको यहाँ लेके आए हैं। इसका मतलब आप यहाँ, ये यहाँ क्यों रही है जी? वो चुप कर, अपने काम से काम रख, तेरी माँ का घर नहीं है ये। और अगर तुझे तकलीफ हो रही है ना तो जा अपनी माँ के पास जाके रह, चक्की पीसना दोनों जेल में। और एक बात कान खोल के सुन ले, मेरे लाए हुए किसी भी मेहमान के साथ आइंदा बदतमीजी से पेश मत आना। चल निकल यहां से। एक बात कान खोल कर सुन ले, मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा, मैंने यही रहना है। लेकिन तू अपना और अपनी माँ के बारे में सोच। एक बार ही उसकी शादी हो गई ना तो उसने तो चले जाना है। जा रहा वो यहाँ पे रुकने नहीं वाला, और मेरी मम्मी की कोई शादी नहीं होने वाली। हाय, हमारा यहाँ आना इतना अपशकुन हो गया कि घर में हो रही शादी टूट गई। जी, ये सब बातें बाद में होती रहेंगी, आप आराम कर लो, कमरा दिखा देता हूँ। चोट लगी है आपको, हैं? चले।
चलिए। मोहिनी यहां तक आ गई है इस घर में, जरूर उसके मन में शक पैदा हो गया। अब अगर मैं यहां से गया तो मोहिनी बवाल खड़ा कर देगी। मैंने अम्मा के दिल में तुम्हारे नाम का बीज डाल दिया है, वो शादी के लिए जरूर हाँ करेगी। वो मानी तो शादी की तैयारियां शुरू होते ही हम सारा सामान यहाँ से लपेट कर 9 to 11 हो जाएंगे। मोहिनी जी, मैं यही सोच रही थी कि सब कुछ बदला सा लग रहा है। मेरे कमरे में इतना बड़ा घर है आपका, बिल्कुल महलों जैसा। कोई अनजान इंसान भटक ही जाएगा ना। कोई गाल नहीं, कौन है? आ जाओ, आपको आपका कमरा दिखा देता हूं। चलो। ये सब क्या हो रहा है पार्टनर? सब जाने के लिए मना क्यों नहीं कर रहे हो पार्टनर? ओए मुबारके हो भाई। मुबारके हैं। वाह भाई मनु सेठ, तू दुनिया का ना पहला मुंडा होना अपनी माँ का, जो अपनी माँ के लिए इतना सोना दूल्हा लेके आया है। सच बताओ चाचा, क्या किया तुमने? और बस करो। क्यों, क्या हो गया? इसे तो तू ही लाया था ना है? अपना बॉडीगार्ड बना के, और अब देख यही बॉडीगार्ड तेरी मां से शादी कर रहा है। और अगर तुझे पसंद नहीं आई ना बात, तो जा जा जाके अपनी मां को सब सच बता दे। जा। बॉडीगार्ड है ना ये तो जा, बोल इसे कि तुझे और तेरी मां को बचा ले। चले दामाद जी, चल हट, तेरे पापा जा रहे हैं। पार्टनर? ओए पार्टनर नहीं, पापा मनु सेठ। ये सब क्या हो रहा है पार्टनर? पार्टनर वो मैं, तुम सब जानते हो मेरे मेरी मम्मी के बारे, फिर भी तुम शादी के लिए मना क्यों नहीं कर रहे हो? तुम तो ऐसे जाने वाले थे ना, क्यों रुके हो तुम? सिर्फ इसीलिए कि तुम मुझे धोखा देके मेरी मम्मी से शादी करोगे? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे ऐसा क्यों लग रहा
तुम मेरी मदद नहीं कर रहे, मेरे दोस्त नहीं हो, मुझसे कुछ छुपा रहे हो, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। नहीं पार्टनर, मैं धोखा नहीं दे रहा हूँ तुझे। चाचा जो कर रहे हैं वो समझ में आता है, लेकिन तुम सब जानने के बाद भी उन्हीं का साथ दे रहे हो, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो इसका और क्या मतलब हुआ पार्टनर? धोखा ही तो दे रहे हो ना तुम मुझे। ठीक है पार्टनर, अगर तुझे लग रहा है कि मैं धोखा दे रहा हूं तो उससे अच्छा है कि मैं सब सच बता दूं, कम से कम मेरे दिल का बोझ तो हल्का हो जाएगा। ये सब मेरे गुनाह जो सामने आ रहे हैं, अनजाने में जो मुझसे हादसा हुआ है उसकी सजा मिल रही है मुझे। मैं तुझे और तेरी मम्मी को धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। सीधे सीधे बताओ हुआ क्या। सिमी गुंजना, बोलो कहां छुपाए सुशीला के गहने? अरे मैं मन्नू का दोस्त हूं, मन्नू का दोस्त। अरे बोलते हो कि नहीं? हाँ, कहां छुपा के रखे हैं सुशीला के गहने? अरे बोलो, ये दोनों की मिली भगत है, जानी मनी है। अरे एक के लिए बरगद, एक के लिए पीपल। उसी को उल्लू बनाओगे मुझे? बरगद के पेड़ के पीछे था, पीपल के नीचे था। जन, तू क्या बोल रहा है? पागल हो गई क्या? तू पागल हो गई? मुझे मार ले। उधर बरगद का पेड़ था, मैं नहीं, बरगद का नहीं था, पीपल का पेड़ था। नहीं था बरगद। अरे नहीं, तू पागल हो गई क्या? उधर बरगद के पेड़ के पीछे मैं लगा रहा हूं क्या? अरे मैं बोल रही हूं, वहां नहीं है, वहां नहीं है। मुझे भी बोल दे, मैं बरगद के पेड़ के पीछे था। कुंजी तो क्यों झूठ बोल रही है? ओए चुप, आगे एक शब्द नहीं। ओ तो सिर्फ फिक्र ना करो, इसीलिए नुकसान नहीं करेगी तोड़ा। हाँ? ये सच ऐसे नहीं बताएंगे। मैं काम करता हूँ, इनको वहां लेके जाता हूँ जहाँ सच्चाई सामने आएगी। हाँ? सारी असलियत सामने आ जाएगी इन दोनों की। चल आजा तू भी, पीपल बरगद। हाँ? चल कुछ फिक्र मत करो जी, बढ़िया है। ओए रुक, सुशीला जी तो जेल में, तो तू कौन है? तुम्हें पहले क्या दस्या था? हमसे होशियारी। सिमी गुंजन भाग। ए रुक रुक, दूसरी गाड़ी मंगाओ, अब इसमें नहीं जा सकते।
कल का मुहूर्त काफी अच्छा है। अगर आप लोग इतना जल्दी इंतजाम कर सकते हैं शादी का तो कल ही लगन कर देते हैं। कल ना ओ हो जाएगी तैयारी। कौन लिया तैयारी कर लेना सारी। थोड़ा तो मुस्कुरा दो। 2 दिन में शादी होने वाली है तुम्हारी। क्या बात कही है पंडित जी, इस बात पे मिठाई तो बनती है। मम्मी, मम्मी, कैसे हो गई? इन्हें तो रोहे की मां ने बेचने का प्लान बनाया था। मम्मी, कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है। प्लान के मुताबिक अपना काम कर, सारा पैसा ले और भाग यहां से, वरना जब मैं गुस्से में होती हूँ तो मैं खुद को भी नहीं पसंद कर पाती। गुस्से में मुझे सिर्फ और सिर्फ तबाही नजर आती है। तू जानता है ना, चलती हूं। तेरे लिए सहरा लेने जा रहे हैं जगन के साथ। ज्यादा मिस मत करना मुझे। यही है मनु जिसने अपनी दादी का खून किया। गिरफ्तार कर लीजिए इसे। पकड़ लो इसे। मम्मी, मम्मी, मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे, मुझे, मम्मी।
लीजिए, ये तो यहीं पर है। देखिए क्या क्या लाए हैं हम आपके लिए। के जावा, क्या लगेगा तू इस शेरवानी में। अंबा से तेरी शादी हो या ना हो, मोहिनी के साथ सुहाग रात जरूर मनेगी। कितना अच्छा जच रहा है ना ये इनपे। पानी जय जी, आप इस घर के दामाद बनने वाले हैं। मेरी आपसे एक ही गुजारिश है, अम्बा को हमेशा खुश रखना। जगन बाबू भी बहुत खुश है कि आपसे शादी हो रही है अम्बा की। इसकी शादी जगन, जगन जय पार्टनर सबसे बेस्ट है और इन्हीं की वजह से आज सुशीला रानी जेल में है। ये सिम्मी दीदी और गुंजन दीदी को भी गुंडों से छुड़ा कर लाए थे। मैं किन शब्दों से आपका शुक्रिया अदा करूं? हो जी, शर्मिंदा मत कीजिए जी, आप ठीक हो गई, बस यही सबसे अच्छी बात है। मन्नू आपके बारे में बहुत बातें करता है और इसकी बातें सुन लगता है कि एक दिन अम्बा भवनिया से जरूर मिलूंगा। आप मेरे और मेरे बच्चों के लिए फरिश्ते जैसे हैं। और मुझे देखिए, मुझे कुछ याद ही नहीं है, आपने इतना कुछ किया है हमारे लिए, थोड़े दिन यहाँ रुक जाइए। हाँ जी, आप ठीक हो गई, बस अब मेरा यहाँ से जाना ही अच्छा है। पार्टनर तुम कहीं नहीं जाने वाले, मम्मी कहिए ना इनको। मम्मी इनसे कहिए ना। रुक जाइए ना, आपने इतना कुछ किया हमारे लिए, थोड़ी मेहमान नवाजी का मौका मिल जाएगा हमें भी। मैंने फैसला कर लिया है जय, हम यहां से नहीं जाएंगे। क्या वो अम्बा, उसकी आताश वापस आ चुकी है, अब वो यहां रह के क्या करेंगे? मैं तो कहता हूं कि कल के कल यहां से चले जाते हैं। नहीं, दो चार दिन यहां रहने के बाद ये तो पता चल ही गया है कि ये पार्टी बहुत ही मोटी है। उस अंबा ने बहुत माल दबा रखा है। फसाएंगे तो हम इसी घर। तो मैं अब वही कर रही हूँ जो मेरा मन कर रहा है, और इस चिट्ठी में ये लिखा है कि भले ही वो मेरे साथ नहीं है लेकिन उसकी यादें मेरे साथ है। ये दवाई इनको दे दीजिएगा। मम्मी क्या हो गया, आप ठीक तो है ना?
कुछ नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। दीदी ऐसा कुछ भी नहीं है, वो ठीक है, बस चेकअप के लिए बुलाया था डॉक्टर साहब को। घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस इनका बीपी लो है। देखिए आप अपने खाने पीने का ध्यान रखिए। आइए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। आइए। डॉक्टर अंकल जी, क्या अभी मैं अपनी मम्मी को कुछ ऐसा बोल सकता हूँ जिससे वो थोड़ा सा चौंक जाए, हैरान हो जाए? कुछ जरूरी बात है। बिल्कुल नहीं बेटा, अभी कुछ दिनों तक उनसे ऐसा कुछ भी नहीं कहना है जिससे वो परेशान हो। वो अभी अभी तो ठीक हुई हैं, उनके दिमाग की नसों पर जोर नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है जी। जी मैं भैरव सिंह से बात कर सकती हूँ? जी जी, गोरा सा पतला सा है? नहीं वो वाला नहीं, गगुआल गांव वाला। हाँ जी, अगर आप उसको बुला दें मैं इंतजार कर लूंगी जितना भी वक्त लगेगा। जी बुला दीजिए। मनु, मम्मी मम्मी लग गया। मनु क्या हुआ बेटा, कैसे गिर गया? पता नहीं मम्मी, कैसे लगी, चोट लगी क्या? फिसल गया बस। ये कुत्ता फंदा रहता है। आप फोन पे किससे बात कर रही थी? वो मैं बीरू मामा से बात करने की कोशिश कर रही थी, बात ही नहीं हो पाई। बीरू मामा से? हाँ, इतनी तेज गिरा है, इतनी तेज आवाज आई, लगी तो नहीं? अभी आपकी उनसे बात नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि उनको कुछ काम था, कॉलेज वालों ने किसी काम के लिए उनको दिल्ली भेजा है कुछ दिनों के लिए। ऐसे कैसे, बताया नहीं उसने? वो आपसे बात करना चाहते थे लेकिन आपकी तबीयत खराब थी ना, इसीलिए वो कुछ दिनों में आ जाएंगे। मेरे दिमाग से ही निकल गया था आपको बताना। चल कोई नहीं, तुम मुंह हाथ धोले में खाना लगा देती हो, कूदना फांदना बंद कर जी। ध्यान से, इतना रहता है।